भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति नई दिल्ली 3 अक्टूबर 2019 को एक डिजिटल चरखी की स्थापना इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने का प्रतीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मई महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को बहुत ही उत्साह और भावना के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर का सम्मान करने के लिए मेटी ने 23 सितंबर 2 अक्टूबर 2019 से मीठी के अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ सप्ताह भर की गतिविधियों को स्वच्छ भारत सेवा के रूप में देखा। कार्यान्वयन के लिए एक दिन की कार्य योजना तैयार की गई थी, जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रभावी प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण अभियान था, जिसमें बड़े पैमाने पर समुदाय शामिल था। इस विशेष अवसर पर बोलते हुए श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, संचार और कानून और न्याय मंत्री ने कहा कि हम एक प्लास्टिक मुक्त कार्यस्थल की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकारी मशीनरी पूरी तरह से कट रही है। 2020 तक सिंगल यूज प्लास्टिक। श्री प्रसाद ने मंत्रालय द्वारा निष्पादित गतिविधियों को प्रदर्शित करते हुए एक फिल्म शुरू की, जो गांधी जी के स्वच्छता के दर्शन, देश में हाशिए की आबादी को शामिल करने, कड़ी मेहनत और देश को सुशासन की ओर ले जाने के लिए समर्पण के साथ जुड़ी है। दीपक सिंह की रिपोर्ट। सर थोड़ा सा भैया, आप लोग एक साइड रहिए ना। चलो यार, नहीं एक साइड करो यार। चलो नहीं भैया जी, थोड़ा सा क्या बोल गया। आइए साहब, अजय सर आपकी गाड़ी सर। उसी भैया सेल्फी भैया पीछे आ जाओ यार। हमारे आईटी विभाग ने डिजिटल चरखा विभाग में लगाया है, वो बहुत ही सुंदर बना है, जिसमें डिजिटल इंडिया केंद्र में है, चरखा उसके साथ है और वो मोबाइल के ऊपर बना हुआ है। तो महात्मा गांधी आज के संदर्भ में समावेशी भारत के विकास में, पावर टू एम्पावर में, बहुत ही वो अच्छा सिंबल है। आज उन्होंने शपथ भी ली है, पेड़ भी लगाया है। गांधी जी की जयंती स्वच्छता के अनुसार आगे बढ़े, मैंने विभाग को निर्देश दिया है जो देश को स्वच्छ बनाने में जो लोग गांव में सक्रिय हैं, उन सबों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको डिजिटल तरीके से और देश के सामने लाया जाए, ये हमारी कोशिश है। महात्मा गांधी जी ने स्वयं गांधी जी के प्रति दुनिया में जो एक नया विश्वास उत्साह पैदा किया है, उसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। गांधी जी ऐसे महान व्यक्ति थे जो कालजयी हैं, ही इज बियॉन्ड टाइम और रिमेन ऑलवेज रेलेवेंट। उसी दृष्टिकोण से ऐसे महान व्यक्ति भारत में पैदा हुए, ये हम सबों के लिए बहुत गर्व की बात है। सर आप पूरी भारत सरकार गांधी जी की जयंती, मोबाइल थोड़ा पीछे कर लो, थोड़ा सा दादा हाथ कह रही है, उनकी आत्मा बहुत दुख पा रही है, थोड़ा सालों से हो रहा है और बहुत सालों। देखिए मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। गांधी जी न कांग्रेस के हैं न भाजपा के हैं, गांधी जी देश के हैं, गांधी जी दुनिया के हैं, गांधी जी मानवता के हैं। उस दिशा में याद करें सोनिया जी भी तो अच्छा। देखिए मेरा क्षेत्र है, मैं 4 दिन से वहीं था, बहुत परेशानी हुई थी, 50 साल की सबसे बड़ी बारिश हुई थी और राजेंद्र नगर कई इलाकों में 7-8 फीट पानी था। तो मैं 4-5 दिनों से काफी सक्रिय था राहत में, लोगों को निकालने में। भारत सरकार ने भी पूरी मदद की, प्रदेश सरकार ने आग्रह किया था, मैंने भी जोर लगाया था। कोल इंडिया के 4 पंप गए हैं, वायुसेना के हेलीकॉप्टर गए राहत बांटने के लिए।
फरक्का नदी के पूरे बांध खोले गए हैं ताकि गंगा का स्तर नीचे जाए। हम मिलकर काम कर रहे हैं और सारे सिस्टम को ठीक किया जाए। तो मैं अपने जनता को यही कहता हूं कि उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, इसलिए मैं सारे सरकारी काम छोड़कर चार दिन के बीच में था। स्थिति सुधरी है, जल्दी सुधरेगी ऐसे मुझे अपेक्षा।